हेलो गाइस, वेलकम टू भारत फूड फन। मैं हूँ सीमा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पोहे की कुरकुरी सी रेसिपी, जो कि अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही कुरकुरी है। इसके लिए मिक्सर जार में 1.5 कप पोहा डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। चार उबले आलू लेंगे और उसे छीलकर घिस लेंगे। अब एक बॉल में कसे हुए आलू को डालेंगे। पीसे हुए पोहा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च भी डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ता या कड़ी पत्ता है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी मुट्ठी बंधने तक गूंद लेंगे। ये चिपचिपे वाली आलू नहीं थी, वरना इसमें पानी नहीं डालना पड़ता। हथेली पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे गोले बना लिए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। तेल को मीडियम गर्म करेंगे और इसे तलने के लिए डालेंगे। इसे लगातार पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, पोहा की कुरकुरी सी रेसिपी तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।